मुजीबुर रहमान शामी ने तमाम सियासतदानों को कटहरे में खड़ा कर दिया। एक निजी टीवी प्रोग्राम के दौरान सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी का कहना है कि इल्जाम तराशी सियासत का हिस्सा होती है, इसको यकसर खत्म नहीं किया जा सकता। हुकूमत और अपोजिशन को मुल्की मफाद में किसी एजेंडे पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। अपोजिशन और हुकूमत जमहूरियत की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। पार्लियामानी सियासत दुनिया में जहाँ जहाँ भी मौजूद है, अपोजिशन को हुकूमत इन वेटिंग समझा जाता है। सीनियर तजियाकार ने कहा कि अपोजिशन को हुकूमत तस्लीम करती है और हुकूमत को अपोजिशन वाले मानते हैं। ना अपोजिशन हुकूमत गिराने में लगी रहती है, ना हुकूमत अपोजिशन को दबाने में लगी रहती है। मुजीबुर रहमान शामी ने मजीद कहा कि हमारे सियासतदानों को बुनियादी रवैये बदलना होंगे। हमारे सियासतदानों को समझना चाहिए कि उन्होंने मुल्की मफाद में वसी तर पॉलिसीज बनानी है। सीनियर तजियाकार ने कहा कि हमें अपनी तवानाई बहाल रखने के लिए किसी एजेंडे पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। इलेक्शन में जो जीतेगा वो हुकूमत बना लेगा, उस पर कोई इख्तिलाफ हो नहीं सकता।